सब बड़ा क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 देखिए बड़ा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 4x8 लाइक दैट. ये आपके पास एक क्या है गिवन सीक्वेंस है. इस गिवन सीक्वेंस की एन टर्म का आपको सम निकालना है. ठीक है जी, तो लिख देते हैं द गिवन सीक्वेंस इज जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है उसको लिख दीजिए 8, 888, 4x8 लाइक दैट. ये आपके पास है बेटा. ठीक है, आपको Sn का सम निकालना है, सम ऑफ Sn टर्म निकालना है. सो Sn ले लेते हैं n टर्म का सम. 8 + 88 + 888 लाइक दैट अप टू लिख लीजिए बेटा n टर्म्स, अप टू n टर्म्स ये है बेटा. तो यहां से क्या करेंगे आप 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 आएगा प्लस 11 आएगा 111 लाइक दैट बेटा अप टू n टर्म्स. ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बना था बेटा. देखिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 9 से डिवाइड कर लीजिए. सो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 8/9 हो जाएगा. जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 9 यहाँ पे 99 इस टाइप से हो जाएगा बेटा ये. ठीक है, अप टू n टर्म्स ये आपके पास इस टाइप से. अब देखिए इनको ब्रेक करते जाएंगे. ब्रेक किस टाइप से करेंगे बेटा, 9 को ब्रेक करेंगे 10-1, 99 को ब्रेक करेंगे 100-1. ठीक है, और ये हो जाएगा 1000-1 लाइक दैट अप टू n टर्म्स. इस टाइप से इनको ब्रेक कर दिए. ये क्यों ब्रेक किया उसको भी देखिए. यहां पे ये 8/9 तो एज इट इज बेटा. ये देखिए ये 10 मिला, उसके बाद 100 मिला, उसके बाद 1000. ठीक है जी, तो अप टू n टर्म्स मिला बेटा ये अप टू n टर्म्स. ये आपके पास फिर -1, -1, -1, -1 ये भी अप टू क्या है n टाइम्स है. ठीक है, तो -1 को अगर आप n टाइम ऐड करेंगे तो -n आ जाएगा. अगर आप -1 को n टाइम ऐड करेंगे तो यहां लिख देते हैं ये हो गया -n. ठीक है जी, देखिए अगर आप देखते हैं ऐसा -1 + -1 -1 -1 -1 n टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये -n मिलेगा. तो ये टर्म हमने -1 - -1 - 1 n टाइम ऐड किया तो -n मिल गया. ठीक है यहां तक. इसके बाद देखिए जो ये आपके पास अब ये फर्स्ट टर्म है ये 10 + 100 लाइक दैट ये आपके पास एक जीपी है. ये क्या आपके पास है जीपी, तो इसका सम बेटा ये जो है आपके पास ये जीपी है. उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लेते हैं ठीक है, ताकि आपके माइंड में आ जाए हाँ जी ये जीपी कैसे है. तो इज इक्वल टू 8/9 तो ये 10 100 को लिख लीजिए 10^2. ठीक है, 1000 हो जाएगा 10^3. इस टाइप से अप टू n टर्म्स. अप टू कहां तक है ये n टर्म्स तक. तो -n तो है ही बेटा, ये -n तो ये रहा. इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप ये 8/9 में कुछ नहीं करना. ये देखिए जीपी है, फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है. तो आपको फॉर्मूला याद था ना Sn का, Sn a r^n - 1/r - 1. सो a 10 है, r भी 10 है, सो 10^n - 1 राइट अपॉन 10 - 1 r - 1 और -n आपके पास है बेटा ये. सो इट इज 8/9 ठीक है, ये 10 10-9 बेटा 10-1 ये 10^(n-1) अब ये 10-1 9 आएगा इस टाइप से -n. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 को 10 से करेंगे तो 80/9 = 81 ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया ये हो जाएगा 10^(n-1) माइनस
एट बाय नाइन एम, इस टाइप से है ये। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले क्या किया बेटा, यहां से 8 कॉमन लिया, 8 कॉमन लिया तो ये 111 इस टाइप से टर्म आ गई। फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड किया, जब 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया ना तो ये आपके पास आया। इसको लिखा 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1। ये जो फर्स्ट टर्म है ये 10 100 1000 इस टाइप से मिल गई, ये जीपी हो गई, और माइनस वन को एन टाइम एड करेगा तो माइनस वन आ जाएगा। इस टाइप से सिंप्लीफाई किया तो आपको आंसर मिल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 18। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 मैं कर लेता हूँ, क्योंकि 20 जो क्वेश्चन है वो एक आर्टिकल जैसा क्वेश्चन है, आर्टिकल की तरह है। इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 19 आप सेम टाइप से खुद कर लेंगे। तो देखिए बड़ा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरिस्पोंडिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर लाइक दैट ए आर एस टू पावर एन माइनस वन एंड कैपिटल ए ए आर ए आर स्क्वायर। यहां पे ये आर कैपिटल आर है, कैपिटल में है सारे का सारा। ये इस टाइप से ये टू सीक्वेंसेस हैं, ये बोलता है जो इनकी कोरिस्पोंडिंग टर्म है ना, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट वो क्या करती है, फॉर्म ऑफ जीपी, एक जीपी बनाती है। ये आपको शो करना है, उसके बाद उसका कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, कॉमन रेशियो निकालना। देखिए तो कोरिस्पोंडिंग टर्म का मीनिंग आप समझते होंगे बेटा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर लीजिए, थर्ड को थर्ड से, एनएफ टर्म को एनएफ टर्म से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे गिवन से, द गिवन सीक्वेंसेस आर, ये वैसे सीक्वेंसेस भी लिखे हैं, जीपी लिख ले क्योंकि ये जीपी है। तो फर्स्ट तो आपके पास है स्मॉल लेटर में ए ए आर ए आर स्केल, इसकी एनएफ टर्म है ए आर एस टू पावर एन माइनस वन, ये फर्स्ट है। सेकेंड आपके पास है कैपिटल ए कैपिटल ए आर स्क्वायर लाइक दैट ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। अब आपको प्रोडक्ट करनी है कि कोरिस्पोंडिंग टर्म की, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, ठीक है, सेकेंड को सेकेंड से थर्ड से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ कोरिस्पोंडिंग टर्म्स ऑफ दीज सीक्वेंसेस, जो ये सीक्वेंसेस हैं इनकी जो कोरिस्पोंडिंग टर्म के प्रोडक्ट, देखो बेटा ये ए से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा ए इंटू ए, फिर ये आएगा ए कैपिटल ए आर कैपिटल आर इस टाइप से, फिर ए कैपिटल ए आर स्केल कैपिटल आर स्केल लाइक दैट, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए कैपिटल ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन कैपिटल आर रेज टू पावर एन माइनस वन। ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये आपको ये शो करना है कि जो ये प्रोडक्ट है ये क्या है, एक जीपी है। तो हम क्या निकालते हैं, हम चेक करते हैं इसका कॉमन रेशियो, इसको इससे डिवाइड करेंगे बेटा, ए से ए कैंसिल हुआ, स्मॉल ए से कैपिटल ए कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आपको, आर स्मॉल आर कैपिटल आर, इसको डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैपिटल ए भी ए से कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल हुआ, ठीक है। तो यहां पे भी क्या मिलेगा आपको, स्मॉल आर कैपिटल आर। तो देखिए हम क्या करते हैं, इनका रेशियो चेक करते हैं, सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे, ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर इसको डिवाइड किया ए ए से, हाँ जी कैंसिल हो गया तो ये मिला स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। अब थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं तो थर्ड टर्म है ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्केयर कैपिटल आर स्केयर, सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर। देखिए बेटा ये यहां पे ए से दोनों ये कैंसिल हो गए, आर भी कैंसिल होगा, ठीक है, किक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये भी आर आर हो गए, यानी कि रेशो सेम है, ठीक है। सो द प्रोडक्ट
इज आ जीपी, जीपी है और कॉमन रेशो क्या है स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर, सो द प्रोडक्ट इज जीपी विद कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो भी आपके पास है बेटा, विद कॉमन रेशो स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर। ये इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, आपके पास एक रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट मिला, अगर आपके पास दो गिवन जीपी हैं, ठीक है, आप उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करें तो वो भी एक जीपी आएगी, और उस जीपी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट जीपी का रेशियो इनटू सेकंड का रेशियो, इस टाइप से कॉमन रेशियो, सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो अगर आप टू जीपी को मल्टीप्लाई करें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगी, एक जीपी रहेगी विद कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाएगा, फर्स्ट का कॉमन रेशियो ले लीजिए, उसको सेकंड के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो आपके पास प्रोडक्ट है ये उसका रेशियो मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है।